हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शामी से वक्त जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं के वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमें जाना है बर्थडे पार्टी में। उसके लिए हम हमेशा की तरह थोड़ा लेट रेडी हुए, इसलिए हम जल्दी निकलेंगे। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। किसके बर्थडे में जा रहे हैं? तो हम आरती की बेटी आहना के बर्थडे में जा रहे हैं, और हमारे साथ है रेहान, हाय करो, और रिजा। तो हम पहुंच गए, जो उत्सव है हमारे लेफ्ट में है। हम चलते हैं अंदर, स्टेयर से चले फर्स्ट फ्लोर। अरे रुको, मेरे को कपड़े फर्स्ट फ्लोर पे है ना। हम लोग एक घंटा लेट है, मुझे रेहान को ही पकड़ाती है। मैं पकड़ू? मैं सिर्फ दिखाने के लिए पूछ रही हूँ, मैं पकड़ती नहीं। थैंक यू हम लोग पौने एक बजे घर आए। अल्लाह हाफिज़ भाई। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया, मैं आ गई हूँ अभी ऊपर वॉक करने। उसके बाद हम सारे काम करेंगे, पहले वॉक पहले हेल्थ। वॉक हो गई है फ्रेंड्स, 5 की स्पीड पे मैं चली थी, 50 मिनट्स। टॉप, माय टॉप इज वेट बाय स्वेट। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा गीला हो चुका है। आज बहुत सारे काम है। आज रात में मतलब ईद मिलाद उन्नबी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी भी प्रिपरेशंस। और मेरे अभी दुपट्टा भी नहीं आया, दुपट्टे में लेस भी नहीं लगी है। तो देखते हैं क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। सोचा था मार्केट जाएंगे, लेकिन पता नहीं, लेकिन अनबॉक्सिंग भी करनी है। तो जब तक कूल डाउन हो रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे गर्मी से नहाने नहीं जाते, गर्म ठंडा हो जाता है ऐसे अम्मी कहती है, तब तक हम अनबॉक्सिंग कर लेंगे। दो बड़े प्यारे से आउटफिट आए हैं अल्फिया फातिमा लेबल की तरफ से। ये दो आउटफिट भेजे, ये कॉर्ड सेट है जॉर्जेट में। इसका ये बहुत अच्छा लग रहा है, डिटेलिंग यहाँ पे पूरे ना स्टोन्स लगे हुए हैं। अकेला कुर्ता है, इसके नीचे भी देखिए काफी अच्छा डिटेलिंग है। एथनिक नारी की तरफ से ये लखनवी अनारकली फ्रॉक आई थी प्रिंटेड में, और एकदम मलमल सा कपड़ा है, बहुत ही अच्छी है। वेल पाइस की तरफ से ये कुछ आया है पार्सल, इसे भी ओपन कर लेते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल पैकेजिंग। शिफॉन हिजाब भेजे हैं, बहुत लाइट से, बहुत अच्छे फैब्रिक के, बहुत प्यारे से कलर है। और ये कोई न्यू पैटर्न का भेजा है, मैं आपको भी पहन के दिखाऊंगी। आज मैंने सोचा टाइम है, मैं सारी अनबॉक्सिंग एक साथ कर देती हूँ, सबका काम हो जाएगा। ये हमें पार्सल आया है पर्सनलाइज्ड गिफ्ट सेंटर की तरफ से। ओ अच्छा, ये मेरे लिए नहीं है, सनी के लिए भेजा है। इसमें सनी का नाम लिखा है यहाँ पे, खालिद नियाज, थैंक यू सो मच। अमन जमाल लेबर की तरफ से ये सिल्क का लॉन्ग वन पीस आया है, और इसमें सिल्क का दुपट्टा है प्रिंटेड, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, थैंक यू सो मच। डिजाइनर सूट्स कलेक्शन 1-2 की तरफ से आया है मुझे ये फ्रॉक वाला कुर्ता, आप इसे एज अ ड्रेस भी पहन सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट सा है और वाइब अच्छा भी लगता है, थैंक यू। अनबॉक्सिंग डन, अभी मैं जाके जल्दी से शावर ले लेती हूँ, और मैं यूज करूंगी द डर्मा कोका 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। हमारे फेस पे एक्ने आता है, फेस पे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है, उसके लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बॉडी में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि एक्सट्रीम ड्राइनेस, उसकी वजह से एक्ने और बहुत सारी प्रॉब्लम, उसके लिए मार्केट में कम प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो ये रहा फ्रेंड्स फुल बॉडी केयर रूटीन द डर्मा को की तरफ से। सैलिसिलिक एसिड रेंज है इनकी, इसमें आता है इनका बॉडी वॉश और बॉडी लोशन। ये बॉडी वॉश सल्फेट फ्री है, और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है। एवरीडे बेदिंग रूटीन के लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हमारे स्किन को डीप क्लीन करेगा और डेड स्किन को भी रिमूव करेगा, जिससे हमारे बॉडी में एक्ने नहीं आएगा। मैं शार लेके आ गई हूँ, मैं लगाऊंगी द डर्मा कोका 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी सीरम लोशन। नहाने के बाद ये बॉडी लोशन को अपनी बॉडी में लगाने से फ्रेंड्स ये हमारे स्किन में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है उसे सूथ करेगा, अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करेगा, और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी, इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है, और इसमें जिंक PCA भी है। तीनों कॉम्बिनेशन मिलके फ्रेंड्स हमारे स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे, एक्ने को कंट्रोल करेंगे, और जो सीबम प्रोडक्शन होता है उसे भी कंट्रोल करेंगे, अच्छा सा हाइड्रेशन भी देंगे। डर्मा को के प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे हैं फ्रेंड्स, साथ में उनका एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, जिसका नाम है यंग साइंटिस्ट भूमि के साथ मिलकर उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इसमें आप जब भी उनसे कोई प्रोडक्ट
प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपका ऑर्डर वो एक ऐसे बच्चे के साथ लिंक कर देते हैं जिसकी वो पढ़ाई में हेल्प करते हैं। उन्होंने प्लेज लिया है कि वो हर साल 10,000 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करेंगे। कोई प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं तो इसका लिंक मैंने फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। आप टेलमोको की वेबसाइट पे जाके लेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि SABA2022, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत ही प्यारे से बच्चे मिलने आए हैं। एक बार फिर से अपना नाम बता दो। सॉरी, मेरा नाम अरहान फारूक शेख। और आपका? मेरा नाम अमान अमीन शेख। थैंक यू। और इतना प्यारा सा ईद मिलाद उन नबी का फ्लैग लाया, और हमने इस बार लिया भी नहीं था। अच्छा हुआ तुम ले आए, हम यही वाला लगा देंगे ना। हाँ, तो अच्छा हुआ तुम ले आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा बेटा। हैप्पी ईद मिलाद उन नबी इन एडवांस। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के लिए कुछ आज अर्जेंट में शूट करना है। उसके लिए मैं ये वाला आउटफिट पहनूंगी। अभी मैं इसे आपको पहन के मिलती हूँ। शूट करते करते इतना देर हो गई है, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। भाभी आई थी तो कुछ बात करनी थी उनको, तो बस बैठ गए, फिर बात करने लगे, फिर अब चाय पी रहे हैं, फिर अभी बाहर जाना है, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद चाय पी के। अम्मी को थोड़ी सर्दी है इसलिए कम बात कर रही है। अम्मी आज इशारों में सलाम कर लो, जब भी थोड़ी देर से कराते हैं, अभी खा रहे हैं। टाइम जो है वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहा है? 7 बजने वाला है, अभी इसमें फोटो शूट भी नहीं हुआ है, मार्केट भी जाना है, अम्मी का सूट भी उठा के लाना है, कितना सारा काम है। पता नहीं क्यों टाइम इतनी जल्दी तुम भाग रहे हो। फ्रेंड्स अभी हम नीचे चलते हैं। चले, टाइम नहीं है, खाने को वहाँ नहीं मिलेगा इतनी भीड़ में। अरे तो जोधपुर जाएंगे ना। नहीं, जोधपुर नहीं जाएंगे। तो पहुँच चुके हैं और होपफुली अम्मी का जो सूट है वो सिर गया होगा, हम यही उम्मीद से जा रहे हैं। हाय, हेलो, यूट्यूब चैनल फॉलो। फाइनली इतने कम टाइम सब उम्मीद है कि अम्मी के नाप की चूड़ियाँ मिल जाए बस हमको। तो मेहंदी लगानी है, लेके हम चलते हैं घर। माशाल्लाह कितना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी लाइट्स है, यहाँ पे झंडे मिल रहे हैं। लेस की शॉप यही कहीं है ना रिजा? इतने अच्छे बनाना तुम्हारे को बड़ा मन घूम रहा है दिमाग में। हम घर के लिए ऑर्डर कर देते हैं, घर पे पहुंच जाएंगे। मार्केट में काफी अच्छा लगा। मन कर रहा है। अम्मी का भी फोन आ गया कि घर पे दूध नहीं है, मतलब अम्मी कह रही है मार्केट में कहीं डेयरी पे पूछ के आओ। सूफी डेयरी में फ्रेंड्स हमें दूध मिल गया, दही मिल गया, और वहाँ पे हैदरी चौक में ना एक मिलाद का कोई फंक्शन था और बच्चा इतना अच्छा गा रहा था। सारी चीजें लेके सबके हाथ में पॉलिथिन है। 9 बज गया, मम्मी ने तो फ्रेंड्स कद्दू बनाया है। मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने मम्मी से वादा किया था कि मैं चिकन बनाऊंगी। सबसे पहले चिकन बनाऊंगी, उसके बाद आपसे मिलूंगी फ्रेंड्स, बाय। की भूख भी लगी है, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और उसके बाद मजे से चिकन बनाती हूँ। कोई भी काम करो ना फ्रेंड्स, मन लगना चाहिए। अब आपकी भूख होगी, मन ही नहीं लगेगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले पेट को खुश करो, पेट खुश तो मन खुश, मन खुश तो काम खुश। अम्मी की ना फ्रेंड्स लेस लानी थी, अब अम्मी की लेस हमने ली नहीं, क्योंकि लेस नहीं मिली। हम गए नहीं, हमें लगा वैसे ही और लोगों से लेस निकाल दी है, सूट सिल के मिल गए। भीड़ बहुत, तो सबसे काम की चीज सेहत की चीज। आपको सर्दी है तो आपके लिए पपाया दूध जो आपने मंगाया था, ये लो। जो भी आपके नाप के आ जाएंगे। आपका सूट तो इस कलर का ना, लेकिन खुदा ने खास कर नाप नहीं आया तो इसलिए। अभी मिक्स करके पहने, अपने लिए ली है और एक भाभी के लिए है। रिजा के कंगन क्योंकि वो चूड़ी नहीं पहन रही थी। मेहंदी के कोन और ये बिंदी नाक में लगाने के लिए। ऊपर इतना अच्छा डेकोरेशन। मम्मी का सूट फ्रेंड्स से छोके आ गया है, अभी मम्मी पहनेंगी थोड़ी देर से ही। इंशाल्लाह नजर लगेगी मम्मी के। और हमें बहुत सारे लोग मिले थे, सबने आपको बहुत सारा प्यार दिया है, तो उनकी तरफ से मैं आपको प्यार दे देती हूँ। क्या
क्या बोल रहा हूँ? दुपट्टा कार में है। मुझे सब दिखा। मैंने बोला ना कि राया होगा, तो कोई नहीं बची होगा। तुम्हारे हाथ में तो था दुपट्टा। देखो मैं तो कोई बिगाड़ना नहीं चाहता। हाँ आपका नहीं मिल रहा है। ढूंढ के और कार में जाओ, देख के आओ। चलो अभी हम जा रहे हैं भाभी को चूड़ी देने, इसमें से एक मेरी एक भाभी की, जो वो चूज करेंगे उनकी, बाकी मेरी। जानकर आप फिर होगा, पहले आप नहीं आप ले लो, नहीं आप ले लो ये, इसमें से एक आपकी एक मेरी। ड्रेस के साथ कौन सी ज्यादा मैच? मैंने ना ग्रीन कुछ अलग ही है मेरा ग्रीन, तो ये अच्छी कोई भी, मेरी भी दोनों अच्छी जाएगी, आपको जो अच्छी लगे। ठीक गोल्ड और व्हाइट है पूरा, उसके साथ ये पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे लिए तो नहीं सोच रहे ना? ये मेरा हो गया, मैंने ये वाली ले ली है। रेहान मैंने यहाँ रखी थी, अम्मी ने हाथ मारा। सूट रहने दो, मेरा सोफे का कवर, सोफे का कवर। बोलते ना जो ज्यादा करता है वरना भुगता है। तो मैंने क्या किया? मुझे क्या मालूम, अब खुद सोचो। हमने अम्मी को बताया नहीं था, दुपट्टा दिया ही नहीं है, कल वो भेज देंगे तुम्हारी लेस लगा के। इसलिए तो आपसे चुपके चुपके जल्दी जल्दी फोन करा रहे थे। ऐसा लगा फिर सरप्राइज? बहुत अच्छा। अम्मी को मैंने आखिर तक फ्रेंड्स यकीन दिलवा ही दिया, दुपट्टा नहीं मिल। और ये लेस बहुत प्रैंक सूझ रहा है, मेरे दिमाग में आ जाता है, मौका मिल जाता तो थोड़ा बहुत प्रैंक कर देती हूँ। समझ जाती थी लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल मैं समझ नहीं पाई कि सच में वो लोगों ने नहीं। लेकिन रेहान ने बीच में फ्रेंड्स आपको पता है तुड़वाने की पूरी कोशिश की थी, मतलब उसे पता था। मैं तुड़वा भी देता फिर मैं इसको तोड़ देती, इसको पता था कि इस बार अगर ऐसा हुआ तो शालोपी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं। अभी पहन लेना। हैप्पी बहुत फ्रेंड्स, अम्मी हैप्पी, वी ऑल आर हैप्पी। हैप्पी अभी हम अपना चिकन देख लेते हैं। फ्रेंड्स 11 बज गया, मेरा चिकन नहीं बना अब तक। चिकन बनाते बनाते आज मेरी कमर दुख आई है बहुत ज्यादा, इसको भूनना पड़ रहा है। और मैंने ऐसे फैला के ये पूरा डाला हुआ क्योंकि इसमें ना ये छींटे ना आए, क्योंकि बहुत ही प्यारा सूट है। और अच्छा सूट से मुझे ध्यान आया, काफी लोग कहते रहते हैं आपके पास इतने सारे कपड़े, आप किसी को दे दिया करो। तो मैं आपको बता रही थी जितने भी मुझे ऐसे ऐड के आते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ जो भी हमारे यहाँ काम के लिए कोई आता है या हमारे यहाँ जितने भी आसपास लोग आते हैं मैं देती हूँ। अब ये वाला सूट भी मैं दूंगी, इसलिए मैं इतना बचा बचा के काम कर रही हूँ कि इसमें छींटे ना आए। तो आप लोग कहते हो जरूरतमंद लोगों को दे दिया करो, तो मैं देती रहती हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है ना तो इंसान बताता नहीं है, लेकिन कभी कभी बताना पड़ता है क्योंकि लोग गलत समझ जाते हैं। अम्मी सो रही हो, लेट जा थोड़ी देर। आइडिया पता है किसने दिया था रिजन ने की आपको शूट करना? मैंने कहा कि सुना दो, तबीयत ठीक नहीं है। थक गई फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कमर दुख रही है अभी। अरे कब से खड़ी हो रिजा में, आज दिन भर मैंने शूट किया, मार्केट। इम्यूनिटी वीक नहीं है, कमर की हड्डी वीक है। तो वही तो हुआ, क्या करूँ उसमें, कुछ नहीं। अब ज्यादा बुढ़ापा तक चलेगा तो वही जियो। टूट गया बेटी खाला, बेटी खाला तोड़ा, बेटी खाला हर बार नुकसान करती है। हमेशा की तरह सबसे पूछते हैं कैसा बना है। इस बार के बिग बॉस में भी ट्विस्ट है ना, ऐसे सब अभी ट्विस्ट खेलेगी। तीनों को खाना कैसा लगा है? आप लोग यही बोलोगे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए ये नहीं बोलना है क्या चिकन बनाया तुम्हें कैसा लगा, ये नहीं बोलना बहुत अच्छा लगा है। क्या बहुत गंदा नहीं, मतलब कुछ और बोल सकते हो तुम लोग। मेरे लिए तो अच्छा है, पीस मुंह में नहीं आ रहे तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। कभी कुछ भी नहीं है, हाँ बस सीधा कमी है रिजा के लिए। अच्छा ग्रेवी कम है, टेस्टी है, ऐसा लग रहा है दो प्याज है। कुछ तो बोलो, आपने तो बोला कुछ मत बोला। मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ, मेरे थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, खाके बताती हूँ। फिर अम्मी ने कहा फातिया के लिए जर्दा बना दो, तो हमने सोचा ईद मिलादुन्नबी है तो हम ग्रीन जर्दा बनाते हैं। तो हमने पानी गर्म किया, उसमें चावल डाले, लौंग और इलायची वो सब डाल दिया, और फिर यहाँ पे चावल को पसा लिया है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना ग्रीन। और अम्मी ने ये कह दिया कि तुम स्टील की कढ़ाई में बना लो, और हमने भी इतना नहीं सोचा कि इतना चिपकता होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने जर्दा नहीं बनाया था। और जैसे ही हमने उसमें चावल डाले ना, वो नीचे से पूरे चिपकने लगे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं तो घबरा गई। फिर हमने कढ़ाई चेंज करी और फिर उस पर बनाया, लेकिन
लेकिन वो बात नहीं आ रही थी। तो कह दिया कढ़ाई घर पे नहीं दिखेगी, तो बोलो तो मैं तो बता दूं। नहीं, घर पे स्टील की या कोई भी ऐसी बर्तन नहीं आएंगे तो बस नहीं आएंगे। एक तो उसका हैंडल भी जला देता है अम्मी, तो पूरे चावल चिपक कर इतने दिल से जर्दा बना रहे थे अम्मी। चेंज किया तो गर्म छू लिया तो उंगलियां पूरी लाल पड़ गई है फ्रेंड्स। अब घर में सिर्फ नॉन स्टिक बर्तन ही रहेंगे, बस हमने कह दिया। अरे कम से कम हैंडल वाले ले लेते अम्मी। कैसी हैंडल वाली? जिसमें गरम हैंडल, वो गरम छू लिया हमने। लाया कौन था ये? कौन लाया था? हमको रात भर जाग रहे थे और अभी फजर की नमाज हो चुकी है और अम्मी पढ़ रही है, पानी में कुछ दम करके फिर हम सबको पिलाएंगे। इसलिए अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। मेहंदी लगाने का रात में वक्त ही नहीं मिला तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा भी वक्त है, नींद भी नहीं आ रही थी तो अम्मी के हाथों में थोड़ी सी मेहंदी लगा देते। मैं यहाँ मेहंदी लगा रही हूँ, ये यहाँ पे नींद ले रही हूँ, उठो। चल फाइनली कुछ दिनों बाद आज शीतल को हम लोग गिफ्ट देने जा रहे हैं। इतनी रात तक अभी हम ईद मिलाद नबी में रेडी नहीं हुए क्योंकि दिन भर बहुत सारा काम था, लेट सोए लेट उठे, लेकिन चलो फाइनली शीतल को उसका गिफ्ट दे दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हुई। और अभी इसके बाल भी कटाना और अभी हम रेडी हो जाते हैं क्योंकि सब कह रहे हैं कि थोड़ा तो रेडी हो जाओ। अम्मी आप भी रेडी हो जाओ। देखो हम एंड कर रहे हैं, आज ईद मिलाद नबी की रात हो गई है, 8 बज रहा है, हम लोग अभी रेडी नहीं हुए, हमने सोचा लेकिन आप सबको हम मुबारक तो कह दे, हम सबकी तरफ से आप सबको सबको मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। तबियत बिल्कुल भी सही नहीं अम्मी की भी मेरी भी, लेकिन अभी हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको रेडी होकर देखेंगे कि हम थोड़े फोटो भी क्लिक करेंगे, सबको भेजेंगे भी, तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू। आई लव यू। अल्लाह हाफिज़।